माइंड योर लैंग्वेज आ गया किसी रास्ता से लड़के से नहीं बात करी हो प्रज्ञा अरोड़ा से बात करी हो जो इतनी तकी मार के थी सीधी सादी सी प्रज्ञा बदल चुकी है। कल तक जो सबका ख्याल रखती थी अब वो पूरे मेहरा परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। सबके चेहरे से रंग उड़ाने के लिए, आलिया की साजिशों को मात देने के लिए, अपने अभी को घर में छुपे भेदी से बचाने के लिए प्रज्ञा एक नए मकसद के साथ लौट आई है। कंट्रोल आलिया, तुम्हारे भाई के सिग्नेचर्स के बगैर ये घर मेरा नहीं हो सकता। सच तो यही है कि ये घर मेरा। प्रज्ञा सबके बारे में सोचती थी, अब वो अपने बारे में सोचती है, तो उसके लिए जो सही है वो वही करती है। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचती कि किसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। संभल जाइए आलिया और तनु, हम तो आपको यही कहेंगे कि प्रज्ञा के इस अंदाज को हल्के में ना लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी चुक गए तो वो आपको ऐसा मजा चखाएगी क्या आपकी नानी याद आ जाएगी। आखिरकार आपने उसके प्यार के साथ धोखा करने की जो कोशिश की है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है सबका सच, क्योंकि प्रज्ञा को अब सबका सच पता चल गया। पहले प्रज्ञा सबका ख्याल रखती थी, आलिया को भी जब अभी घर से निकालना चाहते थे तो अभी को रोक लिया कि आप घर से मत निकालिए, बट जब उसे पता चलता है कि आलिया भी अभी के अगेंस्ट है, तनु भी अभी से झूठ बोल रही है, एंड एवरीबडी इज जस्ट लाइंग, तो प्रज्ञा को लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ इतना सब कुछ। तो इस वजह से प्रज्ञा हैज टर्न टेबल्स। प्रज्ञा को अभी ने देखा है क्या इस लुक में? हाँ, घुसते ही थोड़े देर बाद वो मुझे देखते हैं और उन्हें ये लुक बहुत पसंद आता है, बट मेरा बिहेवियर पसंद आता है या नहीं ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इस कहावत को प्रज्ञा ने सही साबित किया है। घर में ही अभी के दुश्मनों को देख प्रज्ञा बौखला गई और हर कीमत पर अपने अभी को बचाने के लिए लौट आई है। लेकिन कहीं इसी चक्कर में जिससे वो इतना प्यार करती है उसका प्यार ना खो बैठे, क्योंकि प्रज्ञा का ये नया लुक तो अभी को खूब पसंद आया, लेकिन उनकी ये हरकत पसंद आती है या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से वंदना शुक्ला की रिपोर्ट।